जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम जीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ऑनलाइन इनकम को बनाने के लिए कुछ मेथड आपके साथ शेयर करेंगे, अथेंटिक मेथड होंगे इंशाल्लाह। और अगर आप ये मेथड का यूज़ कर लेते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म जो ऑनलाइन इनकम है उसका फेज स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो हम आपके साथ ऑनलाइन इनकम के फेज़ शेयर कर रहे हैं, ये ऐसे फेजेस हैं कि अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं आपके साथ, आप अपने घर वालों में अपनी फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प करके वो अच्छा पैकेज एक जो है वो मंथली अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो चीज़ नोट कर लें कि ये वाली वेब जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि जी एड देख लो, क्लिक्स कर लो और पैसे शैसे कमा लो, या कुछ गेम्स डाउनलोड कर लो और उनके ऊपर जो है साइन अप कर लो और अकाउंट बनाते ही पैसे कमा लो। तो ये वो वीडियो नहीं है, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म इनकम का फेज है, लॉन्ग टर्म इनकम के लिए बना रहे हैं। देखें, जो आप देखते हैं ना कि हम यूट्यूब के ऊपर, या अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी कि आपको कहते हैं कि फलां वेबसाइट के ऊपर एड चलते हैं, आप देख लो, गेम्स को डाउनलोड कर लो, देख लो, पैसे बन जाते हैं। नो डाउट पैसे बन जाते हैं, क्योंकि वो नई कंपनीज होती हैं, वो प्रमोशंस कर रही होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस उनकी वेबसाइट के ऊपर आए या उनकी ऐप को डाउनलोड करे। लेकिन उन्होंने पे आउट के लिए कुछ अपने जो है वो बिज़नेस पॉलिसीज बनाई होती हैं कि लेट से अगर कोई भी बंदा $20 कर लेता है तो $20 के बाद हम उसको विड्रॉ देंगे। तो अब होता यूँ है कि आप इतनी मेहनत कर लेते हैं, मेहनत करने के बाद $10 आपने बना लिए या $15 आपने बना लिए। अब लेकिन इसकी पॉलिसीज़ हैं कि 20 होंगे तो मैं आपको विड्रॉ दूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं दूंगा विड्रॉ। तो 20 करते करते हम हिम्मत हार जाते हैं, वो हमसे होता नहीं है, तो उनकी जो ट्रैफिक होती है वो बन जाती है। तो इस वीडियो में हम कोई इस तरह का काम नहीं बताएंगे, इस वीडियो के अंदर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि एक रियल टाइम हम आपको दिखाएंगे कि कितने पैसे आप बना सकते हैं। और इसके ना तीन फेजेस हैं, हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा देखेंगे। तीन फेजेस ये हैं कि अच्छा, इसको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, मतलब स्टार्ट करने के बाद इंसान को लगता है कि यार मैंने स्टार्ट किया है, मतलब वो ना होने के बराबर होता है। एक फेज़ ये हो गया कि स्टार्ट कर लो या ना कर लो, सेम चीज़। उसके बाद इसका फेज़ नंबर टू आता है कि हम कहते हैं कि स्टार्ट कर लो, कुछ ना करने से कुछ बेहतर है। फेज़ टू ये कहता है हमारा इन सारी चीज़ों को लर्निंग करने के लिए। जो फेज़ थ्री है ये हमें ये कहता है कि भाई करो स्टार्ट, हमें स्टार्ट करना चाहिए, भाई करना पड़ेगा इस दौर के अंदर, अगर नहीं करेंगे तो भाई कभी नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपना आपको बता देते हैं कि हम हैं ईबे, अमेज़ोन, शॉपिफाई, वूकॉमर्स, ड्रॉप शिपर, और कुछ हमारी अपनी आइटम भी हैं जो सेल कर रहे हैं। उनसे हमें अच्छी इनकम जो है वो आ रही होती है, किसी अकाउंट में $200 पर मंथ आ रही है, $300-$400 आ रही है। हमारे जो टीम मेंबर हैं, हम एक अकाउंट भी आपके साथ शेयर करते हैं कि वो £300 पर मंथ जो है वो कमा रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने यूट्यूब का जो है ये एक नया फेज़ जो है वो स्टार्ट कर लिया है। अब यूट्यूब की इनकम भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ यहाँ पे एक ईबे का अकाउंट शेयर करते हैं। ये एक ईबे का अकाउंट है और इसके ऊपर तकरीबन मंथली जो है वो £300 का जो प्रॉफिट है वो बच जाता है सारी फीसेस निकालने के बाद। फीसेस मीन के ईबे की प्रमोशंस की फीसेस निकालने के बाद, ईबे की जितनी सेलिंग कॉस्ट होती है उसको निकालने के बाद, और उसके बाद कुछ टूल्स हमने यूज़ किए होते हैं, ट्रैकर बूट, जाके हम अपनी ट्रैकिंग को कन्वर्ट कर सकें, सारे टूल्स वगैरह की फीसेस निकालने के बाद £300 का जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है ईबे। आप ईबे के ऊपर स्टार्ट कर लें। ईबे के ऊपर आप जो भी काम ईबे के ऊपर कर रहे हैं ना, कि आप कोई लिस्टिंग कर रहे हैं, उसकी शॉर्ट एक वीडियो बना के आप उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दो। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आज तक हमने यूट्यूब के ऊपर कितनी इनकम जनरेट की है, क्योंकि हम तो हैं ईबे, अमेज़ोन और एटसी, ये ड्रॉप शिपर थे, तो हमने साथ यूट्यूब भी स्टार्ट कर लिया। अगर हम इसको क्लिक करें और उसके बाद हम थोड़ा सा लाइफ टाइम को क्लिक कर लेते हैं कि ये एक आपकी एक्स्ट्रा मनी जो है आपके जो बिज़नेस है उसके अंदर ऐड हो जाएगी 570। अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें कि जो ईबे का अकाउंट हमने आपको दिखाया है, अगर वो £300, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक छोटा सा मॉडल समझ लें कि पाउंड टू पीकेआर,
पाउंड टू पे क्या मीन के अगर वो स्टोर जो है वो 300 पाउंड ईच मंथ ले रहा है तो पाकिस्तानी कितनी अमाउंट बनेगी? 1,13,000, जो कि एक अच्छी ज़बरदस्त अमाउंट है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूसली इतनी ही है, ये ज़्यादा भी हो सकती है और ये कम भी हो सकती है। तो जो काम आप ईबे के ऊपर कर रहे हैं, अगर आप उसकी शॉर्ट वीडियो जो है वो बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अगर अपलोड कर दें, यहाँ पे यूट्यूब का भी हमने बता दिया है कि यूट्यूब कहता है कि भाई मैं आपको ना $100 होगा तब पे आउट दूंगा, 100 से कम होगा तो आप जो है आपको मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको मैक्सिमम 5 to 6 month लग सकते हैं यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइजेशन को इनेबल करते वक्त 100+ वीडियोज़ अपलोड कर दें। तो अगर आपको $100 भी आता है 1 month के बाद, या आपको 2 month के बाद भी $100 आता है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो जो भी आप काम कर रहे हो, आप अपना स्टफ बनाओ, छोटा सा अच्छी ऑडियो के साथ वीडियो बना के, लोगों की टेंशन नहीं है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म वे है। आप जस्ट उसको जो है थोड़ा सा अच्छी वीडियो बना के अपलोड करना स्टार्ट कर दो, टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। तो ये वाली आपकी एक पैसिव इनकम बन रही होगी यूट्यूब की। पैसिव इनकम मीन के आप सो रहे होंगे तब भी आपके डॉलर बन रहे होंगे। हमें ना काफ़ी कमेंट आते हैं कि हमें कोई ऐसा वे बता दें, कोई ऐसा अर्निंग का वे बता दें कि $1 हम ना डेली बेस के ऊपर अर्न कर लें। तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि भाई $1 से क्या आप एग्जिस्ट कर लेंगे? $30 मंथली बनेंगे आपके, और ना ये लॉन्ग टर्म भी नहीं होगा। $1 तो ऐसी कोई वेबसाइट भी नहीं है। तो अगर आप YouTube के ऊपर आ जाते हैं, साथ आप eBay को स्टार्ट कर लेते हैं, ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जो YouTube है वो टाइम की इन्वेस्टमेंट मांगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपके ऑडियंस बनाने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए। लेकिन जो eBay है आपको वेरी फर्स्ट मंथ अच्छा खासा आपको जो प्रॉफिट है वो देना स्टार्ट कर देता है। तो जो आप काम कर रहे हैं उसका छोटा सा एक वीडियो की फॉर्म में स्टफ बना के उसकी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दो, तो बिलीव मी $2 तो मैक्सिमम, $2 से $3 तो हमारे बन जाते हैं। तो $2 से $3 या $4 जो है आप आराम से सो भी रहे होंगे तो भी आपके यूट्यूब के जो डॉलर है वो बन रहे होंगे। यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे पाउंड की बात कर ली, अगर आप यूके के अंदर सेल कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप ebay.com साइट के ऊपर हैं, US के अंदर सेल कर रहे हैं, तो अगर आप $300 पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं तो भी आप देख लें कि एक अच्छा जो रेवेन्यू है वो आप जनरेट कर सकते हैं ईबे से। प्लस अगर आप YouTube भी इसके साथ स्टार्ट कर लेते हैं, 2, 4, 5 month के बाद अगर आपको $100 भी प्रॉफिट हो जाता है, तो आप देख लें कि 300+100, 400 जो है वो आप पर मंथ अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसको आप इंक्रीज़ करेंगे, ये दिन ब दिन बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे आप भी अपने आप को सपोर्ट करेंगे और आने वाले आपके जो फैमिलीज हैं, ये एक लॉन्ग टर्म है कि आप अगर इसको स्किप, आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते। आप इसको एक लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी इसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बिजनेस ऐसा है कि बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो वाई नॉट कि आप कोई जो ऑथेंटिक साइट है उनका यूज़ कर लें। अगर आपके पास स्किल है तो आप फाइवर के ऊपर चले जाएँ, अपवर्क के ऊपर चले जाएँ, freelancing.com साइट है उसके ऊपर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो ब्रांड ओनर बन जाएं, ईबे के अपने अकाउंट बना लें, शॉपिफाई के बना लें, वू कॉमर्स के बना लें, यूट्यूबिंग स्टार्ट कर दें। देखें आपको हिलजुल कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। हरकत करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे तो ही आप सक्सेस होंगे। अगर आज स्टेप नहीं लिया तो फिर कभी आप स्टेप नहीं ले पाएंगे। रिस्क लेना आप स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आप जो है जो भी आपका टारगेट होगा आप उसको अचीव कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।